ये जो प्याज हमने निकाल के इधर पूरी अच्छी तरह से उसको भर दिया है, क्योंकि थोड़े दिन उसको भर देंगे, बाद में उसका हार्वेस्टिंग का काम करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा क्लीनिंग वो कर दिया है, भर दिया है सब पूरी प्याज को, ऐसे बहुत बढ़िया वाली। ये पूरी से पूरी साइड उसको मिट्टी लगाना पड़ता है, बाद में 3-4 दिन के बाद उसको हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो इस वाला खेत में जो मेथी पहले थे, मेथी निकल दिया, उसके बाद इसमें अभी पर का अभी जुवार इसमें डाली है, अभी इसमें पानी भी देना स्टार्ट करना है। इसमें पहले मेथी था, मेथी निकाल दिया, उसके बाद इसमें अभी जुवार डाल दिया है, क्योंकि हमारे पास बफेलोज का बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उसको खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा खाना की ज़रूरत होती है, तो खेत पे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो देखो ये इस साइड और वहाँ से इस साइड सब में हमने वो डाल दिया है, जुवार बोलते हैं जुवार का, तो उसको भी पानी दे देंगे। और अभी तो देखो कोई कोई जगह पे इधर ऊपर ही दिखाती है, छोटी छोटी है। तो भाई यहाँ पे किया है जो प्याज है, प्याज का स्टोरेज किया है। फाइनली जीरा में कोई छोटे छोटे दाने दिखाने का स्टार्ट हो गया है। देखो अभी उसको पकने में 1.5 महीने के बाद पूरा जो पक जाएगा, तो अभी जीरा भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। अब देखो और देख सकते हो कि पूरी ग्रीनरी जो दिखाती है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो जीरा इस साल तो अच्छा है, लेकिन अभी आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, दाने आने का स्टार्ट हो गया है। देखो तो ये गोरी की अभी प्रेगनेंसी है, अभी उसको 8 महीना पूरा हो चुका है, अभी 2 महीने के बाद अच्छा से अच्छा बछड़ा देने वाली है। देखो अभी उसको क्या है कि मिल्किंग करने का टाइम हो चुका है, तो मिल्किंग का जो टाइम हो जाता है तो अपने आप से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अभी उसको ये जो पिंटा है उसका भी मिल्किंग करने का बाकी है, और ये है उसका भी मिल्किंग करने का बाकी है। सॉरी और ये जो जगह है वो हमारे सारे जो एनिमल्स है, बफेलोज काउ, उसके लिए है। जब बारिश होती है, बहुत धूप होता है, तब हम उसको इधर रखते हैं, और दिन के टाइम उसको ये खुली जगह पे हम रखते हैं सबको। खोलिए
और ये जीरा है जो अगली साल हमने खेत में डाले थे तो बहुत सारे खुश हुए थे, तो थोड़ा खाने के लिए निकाला है। तो मम्मी यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं इस जीरा को, अभी क्लीन करने का बाकी, क्योंकि वो हम घर पे खाने के लिए थोड़ा निकाला है तो क्लीन करना पड़ेगा उसको।